अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब हरिये से होंगे। मैं हूँ आर्यन मुगल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे चिकन शलजम, जो कि आपने पहले शायद कभी इतना ज़्यादा नहीं खाया होगा, क्योंकि ज़्यादा जो लोग हैं वो शलजम गोश्त बनाते हैं। आज मैं आपको इसकी रेसिपी जो है वो शलजम चिकन की दूँगी। सो होपफुली आपको बहुत अच्छा लगेगा, और ये वो भी खा सकते हैं जो बच्चे बिल्कुल शलजम को पसंद नहीं करते। सो आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह देखना आपके बच्चे भी खाना शुरू कर देंगे। तो अगर आप देखना चाहते हैं फुल रेसिपी की, तो प्लीज़ इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चले रेसिपी की तरफ चलते हैं। फिर यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 kg चिकन, और यहाँ पर 2 जो हैं ऑनियंस हैं, 2 ये गार्लिक हैं इस तरह, और यहाँ पर ये जो है शलजम है, 6 शलजम है इसके अंदर, और यहाँ पे ये सारे मसाले हैं। यहाँ पे ये नमक है, क्रश चिली है, ब्लैक पेपर है, हल्दी है, लाल मिर्च है, गरम मसाला है, एंड ये जो है ज़ीरा। ठीक है, सो यहाँ पे ये सारी चीज़ें इसके अंदर मैं ऐड करूँगी। सारे मसाले जो हैं 1 teaspoon हैं, सिर्फ नमक जो है वो 1 tablespoon है। बाकी अगर आप कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकती हैं, अपने टेस्ट के हिसाब से। यहाँ पर मैंने शलजम को पील करके इस साइड का देखिए छोटा छोटा काट लिया है, और 1 glass पानी का डाल के अब मैं इसको बॉईल करने के लिए रख देती हूँ। ठीक है, इसको बॉईल करने के लिए रख देना। और यहाँ पर मैंने 1/2 cup जो है वो ऑयल लिया है। इसके अंदर मैं ये जो हमने ऑनियन और गार्लिक है, इसको देखिए मैंने बिल्कुल भी क्रश नहीं किया, इस तरह पेस्ट नहीं बनाई मैंने, इसको इसके अंदर ऐसे ही ऐड कर दिया। आप चाहें तो पेस्ट बना लें, लेकिन अगर आप ऐसे ऐड करेंगे तो ज़्यादा टेस्ट आएगा। हम इसको ऐसे ही थोड़ा सा भूनेंगे, अभी मसाले हमने ऐड नहीं करने इसके अंदर। अभी थोड़ी देर हम इसको थोड़ा सा स्टेयर फ्राई करेंगे, फिर उसके बाद हम मसाले सारे ऐड करेंगे इसके अंदर। सो यहाँ पर देखें, यह थोड़ा सा ये है रेड होना शुरू हो गया, यह थोड़ा थोड़ा। सो अब जो है इसके अंदर मैं सारे मसाले जो हैं वो ऐड कर दूँगी। ये जितने मसाले मैंने आपको बताए थे, ये सब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। इनको थोड़ा सा हम भूनेंगे, फिर हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे। यहाँ पे सिर्फ 30 सेकेंड आपने इनको भूनना है, और फिर इसके अंदर आपने चिकन सारा जो है वो ऐड कर देना। आपने मसालों को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, जलने नहीं चाहिए आपके मसाले जो हैं। बस हम थोड़ा सा आप इसको यहाँ पे भूनेंगे, फिर हम थोड़ा सा इसको ढक के पकाएंगे। तकरीबन देखिए मैंने 3 मिनट तक इसको भूना है, और ये देखिए मैं केटल वाला पानी यूज़ कर रही हूँ। जब भी आप खाना बनाएं तो आप केटल वाला पानी जो है गर्म उसको यूज़ किया करें, ठंडा पानी भी आप यूज़ ना किया करें। सो आप मैंने तकरीबन 1/4 cup जो है वो इसके अंदर ऐड किया है, ताकि ये अच्छी तरह उसके साथ जो है ये कुक भी हो जाएगा। ये मेरे पास 3 टमाटर है, ये भी मैं इसके अंदर ऐड करता हूँ, और आप कवर कर देंगे फॉर 10 मिनट। तो मिलते हैं फिर 10 मिनट के बाद। यहाँ पे उतनी देर में हमारा जो है शलजम जो है वो भी कुक हो रहे हैं, वो भी थोड़ा सा हला लेते हैं। इनको आपने अच्छा सा कुक करना है, जब तक ये गले नहीं तब तक आपने इनको उतारना नहीं है। आपको ये मैं जिंजर बताना भूल गई थी, कि 3 bars हैं ये मैंने फ्रीज़ की हुई हैं पेस्ट बनाकर, सो वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। गाइस यहाँ पे जब तक 10 मिनट पूरे हो चुके हैं, इसके बाद देख लेते हैं। ये देखें इनकी जो पील है वो उतर रही है, देखें इस तरह हम भी थोड़ा उतार लेंगे। जो टमाटर्स के जो होते हैं पील्स, वो आराम से उतर जाते हैं, इस तरह आप इनको उतार लें। कैसे आराम से इनकी सारी पील्स उतर गई हैं। थोड़ा सा देखिए पानी भी कितना ज़्यादा छोड़ रही है चिकन ने। अब हम इसको ढक के नहीं पकाएंगे, बस ऐसे ही खोल के अब हम इसको इसका पानी जो है वो ड्राई करेंगे। यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारे जो हैं शलजम वो भी गल चुके हैं। सो जितनी देर में ये हमारा पानी ड्राई होता है इसका, अच्छी तरह से भुन नहीं जाता, उतनी देर तक हम ये शलजम हैं ये हमारे हो गए हैं, इनको हम उतार लेते हैं, और इनका थोड़ा सा पानी ड्रेन करके तो फिर हम इसको मैश कर लेते हैं। स्पैचुला, इसकी मदद से आपने इसको ऐसे करके मैश कर लेना, और ये बहुत इजी मैश हो जाएंगे आपके। देखिए यहाँ पर मैंने कितना अच्छा सा इसको मैश कर लिया है। आप अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो प्लीज़ आप इसको अच्छी तरह से मैश करें, क्योंकि बच्चे जो होते हैं उनको चंक्स जो होते हैं वो इतने पसंद नहीं होते,
अगर बड़े बच्चे जो हैं अगर वो खाना पसंद करें जंक्स, तो उनके लिए आप बना सकते हैं लाइक अ हस्बैंड, क्योंकि वो भी तो बच्चे ही होते हैं। तो अगर आप स्पेशली बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसको इसी तरह मैश कर लिया करें। यहाँ पर देखें गाइस, ऑलमोस्ट ये बन चुका है, देखें और सारा इसका जो है वो बाहर आ चुका है। तो इसी टाइम पर हम ये जो है, ये जो हमने मैश किए हुए शलजम थे वो हमने सारे ऐड कर देने इसके अंदर, और साथ में हमने क्या करना है, 1 टेबल स्पून चीनी का आपने इसके अंदर ऐड कर देना, बस 1 टेबल स्पून, ज़्यादा नहीं। ये नहीं कि मीठा सालन ही बनाना आपने, इसका आप बनाएंगे ना तो आपको देखना कितना अच्छा इसका टेस्ट आएगा। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अच्छी तरह से आपने फिर इनको मिक्स करके तो दम पे लगा देना। यहाँ पर ये मेरे पास सूखी मेथी है, ये आपने थोड़ी सी इसके अंदर ऐड कर देनी है और अच्छी तरह से मिक्स कर देना इसको। 3-4 मिर्चें हैं, ये आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है फॉर टेस्ट, सो आपने ज़्यादा नहीं इसको ऐड करना। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आपने इसको 10 मिनट के लिए दम लगा देना है। 10 मिनट के लिए आपने इसको दम दे के पकाना है। सो फिर मिलते हैं 10 मिनट के बाद। आपने जो है बिल्कुल इसकी स्लो कर देनी है। गाइस यहाँ पे हो गए हैं 10 मिनट कंप्लीट, ये हो गए हैं हमारे शलजम चिकन तैयार। सो देखें कितनी बहुत अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। सो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके बच्चे जो हैं देखना, आप बना के उनको खिलाएंगे तो आपके बच्चे जो है ना वेजिटेबल खाना शुरू कर देंगे। सो कोई भी अगर आपके बच्चे वेजिटेबल नहीं खाते ना, तो आप उनको मैश कर दिया करें तो देखना वो कितने अच्छे से वो उसको खाना शुरू कर देंगे। इसके साथ आप बॉयल राइस कर सकते हैं, रोटी के साथ भी आप इसको खा सकते हैं, लेकिन अगर आप वाइट राइस के साथ इनको खाएंगे तो बहुत आपको इसका अच्छा टेस्ट आएगा। सो आपको मैं क्लोज़र लुक दिखाती हूँ इसकी, लुक एट दिस। तो गाइस अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मुझे कमेंट्स करके इसके बारे में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। आपके जो कमेंट्स होते हैं दिस मैटर फॉर मी, और वो मुझे मोटिवेशन देते हैं, और मैं आपके जो सारे कमेंट्स होते हैं मैं उनको पढ़ती भी हूँ, कोशिश करती हूँ सबको लाइक करूँ, सबको आंसर बैक करूँ, पर सम टाइम हार्ड हो जाता है, सॉरी फॉर दैट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपीज़ एंड वॉचिंग माई चैनल। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह खैर।